हाँ जी दोस्तों नमस्कार सब भाई भाई, फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल वैदिक पंचकोब्र। लो जी दोस्तों आज हम आए हैं जी पशु मंडी मंडी डबवाली में, और यहाँ जी महेश भाई का यहाँ पे रस्सियों का काम है, मोरी वगैरह है और गाय का सजावट का सामान रखते हैं। आइए आज महेश भाई से बातचीत करते हैं और क्या क्या चीज़ इनके पास में कोई नई वरायटी का क्या आई है, आइए बातचीत करते हैं। महेश भाई नमस्कार, सत श्रीकाल, क्या हाल है भाई? थोड़ा एक तो तेज बोलिए आवाज़ थोड़ी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। आज अपने पास में क्या क्या वैरायटी है जरा बताइए एक बार। ये रस्सी है जी नाइलॉन के जी। अच्छा क्या फायदा रहता है इसका? ये लगता नहीं पशु के, चौड़ी पट्टी वाला होता है। चौड़ी पट्टी वाला है होता है इस रस्सी में। अच्छा 350 ग्राम का एक रस्सी है जी। 350 ग्राम का एक रस्सी, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये तो सॉफ्ट है, बढ़िया है, तो बढ़िया रस्सी है एकदम, अच्छा रहता है। प्लास्टिक है ये तो यही मंडी में डालकर बेचने के लिए होता है, ये यूजेबल ज्यादा नहीं होता। अच्छा अच्छा हाँ ये यूजेबल होता है। घर पे जैसे किसी ने अपने घर पे डेयरी फार्म है घर पे मंगवाना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया रहता है ये। अच्छा ये थोड़े हल्के रेंज में है? नहीं ये रेंज ओरिजिनल से। अच्छा अच्छा ये फर्स्ट नंबर है, ठीक है। वजन में था ना इसकी? अच्छा अच्छा सेम रेट पड़ जाता है, अगर वो इतना वजन में ये होगा तो डबल हो जाएगा। नहीं लेकिन वो क्वालिटी मेरे को वो ज्यादा अच्छी लग रही है भाई। दोस्तों ज्यादातर जो मोरी चलती है ना वो इस रस्से में चलती है, ये लाल पीला ये आप देख सकते हैं ज्यादातर मोरिया, लेकिन ये ना ये नाक में कट जाती है, तो मैंने देखा है जो ये वाला जो रस्सा है ना ये नाक में लगता नहीं है और ये ज्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन ये इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कॉस्ट मतलब कितना फर्क है इसमें? इसमें ये मान के 40-50 रुपए का होता है ये, सेम रेट होता है ये 60 रुपए का 50 का होता है। अच्छा 10 रुपए फर्क है इससे, 10 रुपए का फर्क है बस, ठीक है बढ़िया है। मजबूती? मजबूती पूरी है, फुल मजबूती इतनी जितनी इसी में? हाँ हाँ इतनी, ठीक है ठीक है। और क्या क्या आइटम है? दिखाओ 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 एक 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 दिखाओ भाई। दोस्तों ये ब्रश है थोड़ा सा एक मोटा मोटा रेट भी 10-13 करो जो रिटेल प्राइस है। हाँ, वो बता दो भाई। दोस्तों जितने भी मैं ये जो रेट बताएंगे वो रिटेल प्राइस है, बाकी इस पे नेगोशिएशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो और क्वांटिटी जिस हिसाब से लोगे उस हिसाब से, ठीक है। कितना रेट रहता है ये? 50 रुपए का। 50 रुपए ठीक है। ये 50 रुपए ये 50 रुपए ठीक है। और ये बारूकली 10 रुपए बारूकली, ठीक है। और ये क्या है? भैंसों के सिंग? हाँ भैंसों के सिंगों पे लगते हैं, ठीक है। ये कितने का है? 50 रुपए का। 50 रुपए का जोड़ा है? जोड़ा जोड़ा जोड़ा, ठीक है। और बताओ, और ये? ये भी सेम ही है, ये भी 50 रुपए का है, ठीक है। और दिखाओ क्या ये क्या है? नाक में ये बताओ पहले, ये कितने का है? ये 50 रुपए का। ये रबड़ का दस्ताना है जी। भाई दोस्तों जैसे गाय पे हाथ फेरना है, नहलाना धुलाना है, उस टाइम ये आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। खरकड़ा कितने का है? 50 रुपए 50 रुपए का, ठीक है। ये 40 रुपए का, ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये क्या बोलते हैं इसको? ये तो अलग अलग रेट है, लोग लोग है। 20 का कोई 20 का, 50 का, अच्छा 60 का, 40 का, ठीक है ठीक है ठीक है, अलग अलग है। ये क्या चीज है? ये बोरकली है जी, ये देखो ये बढ़िया है। अच्छा ठीक है सही है। कितने की? 30 रुपए की, 40 रुपए की, 20 रुपए की, अलग अलग रेट होते हैं हर एक चीज के अलग। हाँ तो अलग अलग आप बताओ ना तभी तो फायदा है। पता क्या लोग ना वीडियो देखते हैं, लोग कहते हैं कि भाई मेरे को रेट भी बताया करो। कोई बात नहीं, ये इसका रेट कितना है? ये 30 रुपए की। ये दोस्तों जैसे कोई दवाई वगैरह देनी होती है उसके लिए 30 रुपए। ये जैसे कोई गाय दूध अपना दूध पीती है ये कितने का है? 50 रुपए 50 रुपए का। ये दूध वाली बोतल ये 150 रुपए की। ये जैसे कोई काफ है आपका, कोई छोटा काफ है तो उसके लिए आप ये दूध पिला सकते हैं, उसका 50 रुपए की बोतल है। 150 रुपए 150 रुपए 150 बोतल, ठीक है। ये पटपटा चमड़े का पटा है? चमड़े का। ये छोटे बच्चे का क्या? नहीं छोटे का, गाय का। ये गाय का, गाय का कितने का? ये 100 रुपए का। पढ़ो दिखाओ एक बार भाई। दोस्तों ये 100 रुपए का है, आप देख सकते हैं चमड़े का पटा है, खराब नहीं होता, बहुत बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। ये सस्ते, ये 30 रुपए का। ये 30 रुपए का है भाई दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और ये चुनिया सजावट 30 रुपए की सजावट का सामान है, ठीक है। आइए अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये पटे बताइए, ये 60 रुपए पीस है जी। ये 60 रुपए का पीस है, हाँ ऐसे सिंपल, ठीक है, टंगा हुआ। हाँ ये बता दिया आपको मैंने, ये 50 रुपए का जी, ठीक है जी। थोड़ी थोड़ी तेज बोलते, ये लीड है जी, ये 100 रुपए की पड़ेगी जी। ये 100 रुपए की पड़ेगी, ये 50 रुपए की माला है। ये किसमें लगेगी? ये जैसे इसमें पटे में, ये इसमें इसमें भी इसमें भी डल जाएगी ना? हाँ इसके नीचे बोरकल डल जाएगी जो। अच्छा ठीक है, बोरकल डल गया और वो लोग लग जाएगा? वो लोग लगा ही हुआ वैसे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ये माला है, ये 50 रुपए की, 50-50 रुपए की, 40 रुपए की, 30 रुपए की है, ठीक है। ये 20-20 रुपए की, ये 20-20 रुपए की माला है, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया।
और ये बताओ ये फावड़े कितने के? फावड़ा ये 200 रुपए का, 300 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, ये 300 वाला है, 200 वाला वो ये, और ये स्टील वाला, स्टील 350 ये दोस्तों, ये आप देख सकते हैं 350 रुपए में स्टील का मिल रहा है, बढ़िया। और ये प्लास्टिक वाला, ये प्लास्टिक वाला 100 रुपए का, ये 100 रुपए का, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हैं 100 रुपए का, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अंदर दिखाओ और क्या क्या है, गड्ढा मारने का टूल भी है इनके पास में, ठीक है जी। पटे हो गए दोबारा फिर से बताओ, ये 100 रुपए है जी, दाएं वाला, अच्छा 100 रुपए का, 120 रुपए, ठीक है, ये 60 रुपए का, 3 प्लाई में, अच्छा ये 60 रुपए का, ठीक है, ये 100 रुपए का, अच्छा डबल होता उससे, अच्छा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये माला देखो सारी, ये 40 वाली माला जो पड़ी, 20 वाली, अलग रेट है माला का, ठीक है, 20 की है, कोई मतलब 20 रुपए से लेकर और 100 तक है, 100 रुपए तक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये लीड जो दिखाई थी आपको बाद में वो पड़ी है, ठीक है, ये माला जो बाहर दिखाई थी 40 वाली, ये बड़ी वाली, ये 50 वाली है, ठीक है जी, बाहर रखी हुई है, 20, 40, 50, ठीक है जी। ये इसमें 40 की भी आती है, 50, ये गड़े मंडल है, ठीक है, ये कितने का है, ये 40 का भी आता है, 50 का भी आता है, 30 का भी आता है, ठीक है, 30 रुपए से 40, 30 रुपए से 50 के बीच में, ठीक है। उसके अलावा चमड़े का छोटा बटा होता है जी, ये छोटे बच्चों के लिए 60 रुपए का है, 60 रुपए का, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके अलावा दोस्तों इनके पास ना रस्सियों के पूरे बंडल है, ये आप देख सकते हैं, मैं भी अभी लेके जाऊंगा एक बंडल, और इस तरीके से ये देखिए, ये ऊपर भी लगा हुआ है पूरा एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास शानदार। ये रस्सी देखो, ये फर्स्ट की रस्सी होती है जी, ठीक है जी, ये कोई कोई रखता है, ऐसे कोई हर कोई नहीं रखता है। हाँ मैं ले जाता हूँ, मेरे पास मेरे फार्म पे इस्तेमाल होती है, बढ़िया अच्छी अच्छी चल रही है मेरे पास। जैसे ये इसके साइज का भी मेरे पास रस्सा है, कोई गाय ज्यादा तगड़ी आ जाती है तो उस पर बांधने के लिए होता है, और उसके अलावा जैसे ये साइज की रस्सी भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं छोटे बच्चे वगैरह को बांधने के लिए, ये इसकी आप मोरी भी बनवा सकते हैं, और इसको ऐसे वैसे लूज भी आप बांध सकते हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम है भाई इनका। और बाकी मैं कुछ अभी मोरी लेके जाऊंगा ये वाली, इसमें पट्टे में, तो भाई एक तो ये मेरे लिए ये भी निकाल देना मोरी कुछ, हाँ सोचिए। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताओ, यहाँ का एड्रेस बताओ, महेश कुमार सचदेवा, ये है जी अपना, अलीका रोड पे पड़ता है जी मेरा जी, आपका जो गोडाउन है जी, गोडाउन है अलीका रोड पे, प्रेम नगर, हाँ, मंडी डबाली में पड़ता है जी, ठीक है, और मेरा नंबर है जी 9541291589, दोबारा रिपीट करो एक बार, 9541291589, ठीक है, हाँ, जो कोई सामान लेना हो आप मेरे को बोलो, ये नंबर व्हाट्सएप पे भी आपका सब नंबर है जी, ठीक है, बोलो मेरे को सामान, आपको सामान फोटो भेज देंगे पहले सभी की, फिर रेट हो जाएगा कंफर्म जी, ठीक है, फिर आप कुरियर का जो खर्चा पड़ेगा वो कुरियर करा देंगे आप, पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कुरियर कराते हैं, कुरियर हो जाएगा जी, ठीक है जी। भाई दोस्तों ये महेश भाई जो है ना पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं, और आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आप देख सकते हैं इनके पास में काफी वैरायटियां हैं। इसलिए बाहर चल के मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ भाई, इनका सदगुरु रोप स्टोर के नाम से है महेश सचदेवा, और ये कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख ही रहा है, ये आप देखिए बहुत बढ़िया। अच्छा इनके पास में पशु मैट वगैरह हर तरह का, श्रृंगार का सामान हर तरह का मिल जाता है सामान, ठीक है, और ये पंजाबी में लिखा हुआ, ये हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये आप देख सकते हैं पूरे सजावट का सामान मिलता है, रस्सी वस्सी पूरा एकदम बढ़िया बढ़िया सिस्टम है यहाँ पे जो ना, काफ़ी सारी दुकानें हैं, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी पशु मंडी का नज़ारा, ये आप देख सकते हैं जी पशु मंडी में, यहाँ पे आज बहुत सारे एनिमल्स आए हुए हैं, पशु आए हुए हैं, गायें स्पेशली गायें ज़्यादा आती हैं इस पशु मंडी में, और ये वैसे इतवार को लगती है, हर संडे को लगेगी, तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, कोई भी पशु खरीद सकते हैं मंडी से, प्रेग्नेंट पशु ले सकते हैं, प्रेग्नेंट पशु, और ये आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया इनका काम बहुत शानदार है। महेश भाई के पास में जितनी वैरायटी हैं आप देख सकते हैं कि उतनी वैरायटी और किसी के पास नहीं है, सबसे ज़्यादा महेश भाई का काम चलता है, पूरा होल सेल रेट पर इनका काम है, जितने भी रेट, ये जो रेट पाते हैं ये रिटेल का भी है और होल सेल का भी है, रंग बिरंगे बहुत सारे रस्सियां हैं, कलरफुल एकदम बढ़िया, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, कभी भी आइए भाई। दोस्तों अभी एक वीडियो और मैं अपलोड करूंगा इस पर, यहाँ की किस किस कितनी कितने किस टाइप की कौन सी ब्रीड है,
ज़्यादातर कौन सी ब्रीड आती है और किस तरह की गायें आती हैं, कुछ देसी भी हैं इसमें, कुछ साहिवाल भी है, राठी भी है, हर तरह के गांवों से आते हैं यहाँ पे। चलिए एक वीडियो भी और कर देते हैं आपके लिए। ये देखिए मैट भी हैं, देखिए एक छोटी वीडियो ना मैट पे मैं अभी कवर करता हूँ, रेट वगैरह डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गो माता, जय भारत।